देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। माता की उपासना के कुल 6 दिन बीत चुके हैं। आज तारीख 9 अक्टूबर है और शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और किन उपायों के जरिए देवी को प्रसन्न किया जा सकता है, जिसे भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे। तो शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन होती है माता कालरात्रि की पूजा। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने काशी के ज्योतिष आचार्य पंडित संजय उपाध्याय से बात की। उन्होंने हमें देवी के स्वरूप के बारे में क्या क्या बताया और किन उपायों का जिक्र किया, चलिए आपको बताते हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ भगवती कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है और इनका मुख बहुत भयंकर है। ऐसा माना जाता है कि माता कालरात्रि के दर्शन और पूजन से किसी भी तरह का डर, बीमारी या शत्रु से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि माता कालरात्रि की उपासना से भूत प्रेत जैसी बाधा से भी मुक्ति मिलती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देवी कालरात्रि को महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, चंडी, भैरवी जैसे विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माँ कालरात्रि इतनी शक्तिशाली है कि उनकी पूजा से सभी तरह का डर समाप्त होता है। इनकी पूजा अर्चना करने से भूत प्रेत की बाधाएं, डर जैसी समस्याएं, भय जैसी समस्याएं, रोग और शत्रु जैसी समस्याएं नष्ट हो जाती है। अब हम आपको माता कालरात्रि के स्वरूप के बारे में बताते हैं। इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि माता कालरात्रि के शरीर का रंग एकदम काला है। इनके बाल बिखरे और गले में चमकते नरमुंड की माला है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इनका एक हाथ वररमुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा में है। इसके अलावा एक हाथ में कटार और खड्ग है। क्या आप जानते हैं कि माता कालरात्रि को बेल पत्र चढ़ाने का विधान है? सिर्फ इतना ही नहीं, माता के पूजन के दौरान लाल गुड़हल की माला या नीला फूल अर्पित करना चाहिए। ये जानकारी हमें पंडित संजय उपाध्याय ने दी। उनका कहना है कि ऐसा करने से माता जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। देवी को विशेष करके ये काली स्वरूप की देवी मानी गई है, इसलिए इनको जो है हो सके तो विधिवत बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, अड़हुल का फूल चढ़ाना चाहिए, नीला पुष्प चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि को प्रसाद के रूप में मिष्ठान चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पान के पत्ते पर मिश्री और मक्खन रखकर भोग लगाया जाए तो इससे देवी प्रसन्न होती है। ऐसे में आप नवरात्रि के 7वें दिन माता को ये भोग जरूर लगाएं। जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है, वह माँ कालरात्रि की उपासना करने से उसकी भूत प्रेत संबंधी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जिसको मानसिक शांति संबंधी बाधा है, वह माँ कालरात्रि की यदि पूजा अर्चना करता है तो उसको मानसिक संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। अब जान लीजिए कि माता की पूजा के दौरान कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो देवी कालरात्रि के उपासना के समय आप या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः और ओम एम ह्रीम क्रीम कालरात्राई मंत्र का जाप कर सकते हैं। बता दें, लोकल 18 ने अब तक माता के सभी 6 स्वरूपों के बारे में जानकारी दी है। वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।